आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज लेकर ये जरूर इंपॉर्टेंट बात। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद राहुल भोज के नाम से, तो वहां पे मुझे फॉलो अवश्य करें। बात करते हैं कि आखिरकार क्यों रो पड़ी भोजपुरी सिनेमा की ब्यूटीफुल क्वीन अक्षरा सिंह। अक्षरा जिन्हें की बेहद ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, और प्लस ऑडियंस चाहती है उनको देखना, ऑडियंस चाहती है कि अक्षरा सिंह जो है वो रियल लाइफ में कैसी है, इतनी स्ट्रांग वो है रियल लाइफ में अगर बात की जाए तो, हमें वो सामने फेस टू फेस भी नजर आए। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो प्रतीक की हरकतों की वजह से अब अक्षरा बहुत ज्यादा हर्ट है और अक्षरा सिंह के इसीलिए निकल आए आंसू। दोस्तों बता दूं तो घर में प्रतीक सहजपाल कप्तान बना और उसके साथ साथ नेहा भी कप्तान बनी। ऐसे में दिव्या, अक्षरा और मिलिंद गावा, इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें बगावत करनी है, जलगार हो। और बगावत क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीटिंग हुई। क्योंकि अगर देखा जाए तो मिलिंद का और अक्षरा का पिरामिड बना था, लेकिन पिरामिड इनका नहीं बना था, मिलिंद और सॉरी प्रतीक और साथ ही साथ नेहा का, लेकिन उनको बना दिया गया घर का बॉसमैन और बॉस लेडी। तो यहां पर डिसाइड कर दिया है दिव्या ने कि मैं काम नहीं करूंगी चाहे कुछ हो जाए। अब उनका साथ निभाया दोस्तों अक्षरा ने और मिलिंद ने, गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर एक बड़ा हंगामा हुआ है। प्रतीक ने बोला ठीक है, अगर तुमको काम नहीं करना तो तुम्हारा चाय पानी नाश्ता वास्ता सब बंद, तुमको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तुम बना सकते हो, बकायदा खाना जो है वो छुपा दिया जाएगा। तो ये बात जैसे ही बोली दोस्तों, तो उसके बाद प्रतीक गया तो वो अक्षरा को बहुत बुरा लगा और अक्षरा कहने लग गई कि यार ये गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अक्षरा बहुत ज्यादा हर्ट है, ये वो प्रतीक नहीं है जिसे उसने पसंद किया था, जिसका वो साथ देती थी, जिसका वो कहती थी कि चाहे कुछ हो जाए मेरा दोस्त है और सही हो या गलत मैं अपने दोस्त के साथ रहूंगी। सो दर्शकों आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताइए। चलता हूं मैं, ख्याल रखें।